हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आए थे बिहार में शादी घूमने के लिए, तो अभी शादी तो ख़त्म हो गया आज सुबह, तो कल सुबह का ट्रेन है। तो आसपास में कुछ जगह देखने को होता है तो आज जाके विजिट करते हैं। अभी निकलेंगे, सब लोग रेडी हो चुके हैं गाड़ी से, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो भाई अभी हम लोग हैं वैशाली में, जो यहाँ पे बुद्ध मंदिर एक है, नौलाखी मंदिर बोलता है इसको। तो मंदिर घुसने से पहले थोड़ा बहुत बोटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक लेक यहाँ पे, इस पे थोड़ा नाव में सवारी में चलते हैं, इसके बाद चलेंगे मंदिर के अंदर। मैं आपको मंदिर का दर्शन करवाऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। यहाँ पे एक आदमी कितना बोला था? 50 रुपए। एक आदमी का 50 रुपए लेते हैं लोग, और 5 आदमी का 200 रुपए का होता है बोट का। तो 6 आदमी मिला के 200 रुपए वो लोग लेते हैं। तो यहाँ से पूरा जो लेक दिखाई दे रहा है वो एक राउंड लगाएगा वो लोग। चले घूम के आते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये रहा बैंग बैंग पानी में, नाव का सवारी स्टार्ट हो चुका है। भैया ये जगह का नाम एग्जैक्टली नाम क्या होता है? वैशाली। इस जगह का नाम भी वैशाली है? खरौना। पहले का राजा बनते थे ना? हाँ हाँ। अभिषेक। अच्छा 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 म्यूजियम। ये रहा नौखाली मंदिर, अभी हम लोग बोट की सवारी कर रहे हैं। इसके बाद जाएंगे यहाँ पे जो कि म्यूजियम है। म्यूजियम देखने के बाद यहाँ पे सामने एक पार्क होगा, तो वो भी विजिट कर लेंगे हम लोग। पार्क की गरम पानी। तो हम लोगों का नाव की सवारी खत्म होने वाला है। ये रहा डेस्टिनेशन, फिर से बैक टू स्टेप्स। फोन क्रैश हो, क्रैश हो, क्रैश हो। और ये लगने वाला है टप अप। ये रहा फैमिली का नया ब्लॉगर, कुछ ब्लॉग व्लॉग तो करता नहीं है, कैमरे लेके घूमते रहे। बापन भाई कैमराटा ऑन कर, कैमराटा ऑन कर, ब्लॉक कर भी ना। तो अभी यार हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे वैशाली के जो म्यूजियम है, इसमें लग रहा है बंद हो चुका है। अंदर जाके देखते क्या बोलते हैं लोग। हाउ देख लेना वो निरीक्षण भगवान तो टूरिस्ट सब ले। और ये हाउ बिहार, बिहार टूरिज्म जाए बा हमा ई बा। हाँ ई म्यूजियम हाउ अब चला खुला हाउ, खुला हाउ। हाँ वो टिकट, टिकट ना कांडू अब अकलो ये देखो टिकट लो कजन हो। 15 साल के नीचे कोना होता ही ना, वो टिकट ना चाहिए फ्री हाउ कोना हाउ। 15 साल के नहीं तो सब 60 साल के बूढ़ा हाउ। अब 70 रुपया था तो पैसा दो ना, दो ना पैसा, पैसा लेके ना हले म्यूजियम घुमा। देर हो तो पैसा तो जल्दी पैसा नहीं किए पैसा। तो ये रहा हम लोगों का टिकट, टिकट काट लिया गया है। अभी चलेंगे अंदर और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है म्यूजियम के अंदर।
देखिए बोला गया 200-300 साल पुराना भी, 200-300 साल पुराना भी सामान वहाँ पे रखा हुआ है। ये रहा म्यूजियम का एंट्रेंस। यार सोचा था थोड़ा अंदर में जाके आप लोगों को थोड़ा एंटिक पीस दिखाऊंगा, लेकिन कैमरा ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इतना खास नहीं था। पहले जमाने का जो एंटिक पीस थे वो से भी रखा हुआ है। एक राउंड में ख़त्म हो गया सब कुछ। गर्मी के लिए मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ, बहुत गर्मी है। तो यार गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नोखाली मंदिर में। तो चलिए अभी आप लोगों को भगवान बुद्ध का दर्शन करवाते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे एंट्री किया दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही शांत सा एक नज़ारा मुझे देखने को मिला। तो यहाँ पे पहली स्टेप पे आपको भगवान बुद्ध को स्माइलिंग फेस में दिखाई देगा, और लेफ्ट साइड से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध का दूसरी मूर्ति देखने को मिल रहा है, जो कि सिरमन नाम का है। यहाँ पे ध्यान करते हुए भगवान बुद्ध, और इसी तरह और आगे बढ़ते देखते क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों को तीसरी मूर्ति देखने को मिल रहा है, जो कि इनलाइटमेंट को दर्शाता है, जो भगवान बुद्ध यहाँ पे ध्यान करते हुए खुद को इनलाइटेड किए हुए है। तो ये रहा भगवान बुद्ध का चौथा स्टैचू, जो कि बर्थ स्टैचू है, ऊपर की तरफ इशारे करते हुए। तो और एक आखिरी मूर्ति और एक रहेंगे, तो देखते हैं उसको। तो फाइनली ये रहा भगवान बुद्ध का आखिरी मूर्ति, जो कि सोए हुए मिलेंगे भगवान बुद्ध। यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वेना। निर्वेना का मतलब हिंदी में कहा जाए तो इसे मोक्ष कहते हैं। और इसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने पांचों मूर्ति की दर्शन कर लिए। तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए आपको पांचों मूर्ति में से कौन सा मूर्ति आपको बहुत अच्छा लगा।